दोस्तों आज मैं चला गया था मार्केट में एप्पल वॉच लेने के लिए, लेकिन उसकी प्राइस देख के मुझे लगा कि भाई किसी फ्रेंड की किडनी तो बेचनी पड़ेगी, लेकिन वो भी मुझे देख के बोला तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जा कुछ जो मेरी। फिर हम एप्पल वॉच से सीधा है मेले में बिछड़ा उसका छोटा भाई, ये बोल्ट क्राउन, शेम टू शेम। तो जैसे यहाँ पे बॉक्स खोले, बॉक्स के अंदर भाई ये हमारे सैफ भाई आपको दिखाई देंगे, उसके साथ जो है यूजर मैनुअल आपको बहुत सारी चीजें मिलते हैं, ये कुछ काम का नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल आपको दिखाई देगी, एंड भाई ये है मेन चीज, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। भाई इसका डिजाइन अगर देखोगे तो कोई भी बोलेगा कि ये एप्पल वॉच है, लेकिन है तो सस्ता वाला टाइगर श्रॉफ, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जोगी दोस्तों अभी सीरियसली डिजाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये स्क्वायर डायल मिलते हैं विद राउंडेड कॉर्नर्स, एंड इस वजह से इसका लुक थोड़ा सा बढ़ जाता है, इनहांस हो जाता है। एंड भाई थिकनेस देखो काफी ज्यादा थिक है, एंड भाई यहाँ पे देखोगे तो ये फंक्शनल क्राउन आपको मिलता है, इसको हिलाओगे तो अंदर का जो मेन्यू वगैरह होता है वो भी इस हिसाब से जो है रोटेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे और एक बटन आपको मिलता है, ये बटन दबा के डायरेक्टली आप स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे ओपन कर सकते हो। उसके साथ पीछे यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मैग्नेटिक पोर्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, एंड सारे सेंसर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड भाई स्ट्रैप देखो, ये पूरे के पूरे सिलिकॉन स्ट्रैप्स आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रैप्स नहीं है, आपको यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न मिलता है। तो जब भी आप इसको पहनते हो तो ये जो मेटल स्टॉपर्स है ये अच्छी तरीके से जो है इसको होल्ड करके रखते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी करोगे तो ये आसानी से स्लिप नहीं होते। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के बारे में बात करें तो ये जो आपको स्क्रीन मिलते है 1.95 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं आते। तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जो कलर्स है वो आपको डेफिनेटली अच्छे कलर्स मिलते हैं, बट वो उतने ज्यादा शार्प नहीं है। दोस्तों इसमें आपको मिलता है 900 nits तक इसका ब्राइटनेस। अभी यहाँ पे हम पूरे आउटसाइड कंडीशन में अभी देखते हैं कि सन के अंडर ये कैसा शो करता है। अभी फिलहाल तो मैं खुद की बात करूँ तो मुझे काफी अच्छी तरीके से जो है स्क्रीन विजिबल हो रही है, तो कोई इश्यू तो मुझे नहीं लग रहा, ये काफी ज्यादा ब्राइटनेस है, आराम से आप सारी चीजें यहाँ पे देख पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लैक्स है, उसमें आपको थोड़ा सा व्हाइट शेड जो है वो मिक्स दिखेगा, मतलब जो एक्यूरेट पीच ब्लैक होता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा देख लो। बाकी ऑल द वे मुझे डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड उसके साथ साथ भाई इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू मिलते हैं, 4 से 5 आपको डिजाइन यहाँ पे मिलते हैं डिफरेंट मेन्यू के, जो आपको मेन्यू सेट करना है आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे फंक्शनल क्राउन भी आता है, जैसे आप इस फंक्शनल क्राउन को रोटेट करोगे उस हिसाब से जो है मेन्यू भी रोटेट होता है, काफी अच्छा लगता है, एक डिफरेंट सा वाइब आता है, तो ये चीज मुझे सबसे मस्त लगी है। उसके साथ साथ ये जो डिस्प्ले है मुझे काफी ज्यादा स्मूथ सा लगा, मतलब इंस्टेंट रिस्पांस आपको मिलता है, ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे या फिर नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे, जो भी आप फंक्शन यहाँ पे करोगे वो अच्छी तरीके से वर्क करता है, मतलब फुल्ली काफी मस्त तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड लैग भी जो है वो काफी ज्यादा मिनिमम, एकदम मिनिमम सा है, आपको नोटिस भी नहीं होगा यहाँ पे। बट एक चीज बोलता हूँ भाई, इसके मेन्यूज है या फिर इवन अंदर आप सेटिंग में भी जाओगे तो आपको बहुत ही कलरफुल ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कलरफुल आपको आइकॉन्स वगैरह दिखते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इवन दोस्तों किसी भी वॉच फेस के ऊपर अगर ये क्राउन आप रोटेट करोगे तो आपके वॉच फेसेस भी चेंज होते रहते हैं, एंड भाई बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस मिलते हैं, इवन लाइव वॉच फेसेस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो वो अच्छा लगता है तो वो रखो, लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो। दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जैसे जाओगे आपको डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आप ब्राइटनेस यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो, 900 nits तक यहाँ पे ब्राइटनेस मिलता है। उसके साथ यहाँ पे स्लीप का ऑप्शन मिलता है, मतलब डिस्प्ले कितनी देर तक आप ऑन रखना चाहते हो ये देख सकते हो। वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से जो है मेन्यू व्यू, मतलब मेन्यू भी आप चेंज कर सकते हो आपको जो चाहिए वैसे। उसके साथ वाइब्रेट एंड रिंग का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपका मोड एंड उसकी इंटेंसिटी ये चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, मतलब वाइब्रेशन आपको हाई चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। ऑडियो ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्पीकर्स भी मिलते हैं, तो डायरेक्टली आप किसी से बात करना चाहते हो या फिर कुछ भी सुनना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ से सुन सकते हो। TND का मोड मिलता है, अगर इसका बैटरी लेवल बहुत ही कम है एंड पावर सेविंग मोड ऑन करना चाहते हो यहाँ पे आपको लो पावर मोड का एक ऑप्शन मिलता है। फोन ऑन का ऑप्शन मिलता है, फोन रीसेट का ऑप्शन मिलता है, यही सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके साथ टॉर्च का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। भाई लोग थोड़ी सी अभी ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे ग्रास है तो ये ऊपर फेंक के देखते हैं। तो ग्रास के ऊपर तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा सा इसको सैंड के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर गिरा ये, फिलहाल तो कुछ नहीं है, अच्छे से वर्क कर रहा है पूरा, तो मुझे तो नहीं लगता। और एक बार डालते हैं।
डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर गिराइए, थोड़ा सा लगा है यहाँ पे, थोड़ा सा शायद से यहाँ पे स्क्रैच आया है थोड़ा, आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत। अगर डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर गिरा तो स्क्रैच आ सकता है, लेकिन यहाँ पे साइड में गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बात करते हैं इसके ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में। तो ब्लूटूथ कॉलिंग के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको फोन बुक का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप 8 कॉन्टेक्ट्स जो है वो सेव करके रख सकते हो, एंड इंस्टेंटली किसी को कॉल करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। इवन डायल पैड भी मिलता है तो डायल करके भी किसी को कॉल कर सकते हो। थोड़ा सा बाहर जाते हैं, प्रॉपर एक कॉल करके देखते हैं किस तरीके से ये साउंड करता है। सो कॉल के लिए अभी हम बाहर आए पूरे आउटसाइड कंडीशन में, एंड यहां पे हम बात करके देखते हैं कि एक्चुअल साउंड कैसे आता है। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज आ रहा है क्या? एकदम ठीक ठाक आ रहा है भाई। मतलब साइड का साउंड कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं भाई, एकदम ठीक ठाक से आवाज आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत। ओके ओके, तुम्हारा भी आवाज अच्छे से आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज वगैरह कुछ आ रहा है क्या ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके हेल्थ मेजर के बारे में, मतलब हार्ट रेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं कुछ टेस्ट कर लेते हैं। इसको एयर में रखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक मैसेज आ जाता है कि वेयर वॉच प्रॉपरली करके। अभी थोड़ा सा इसको हम रखते हैं टेबल के ऊपर। भाई सच में बुरी बात जो है कि टेबल के ऊपर रख के ये 93, 92, 82 करके रीडिंग दिखा रहा है, ये बहुत ही बुरी चीज है। तो मतलब इसके ऊपर आप रिलाय नहीं हो सकते एज अ मेडिकल इक्विपमेंट करके। भाई मतलब इतना अच्छा आपने डिजाइन बनाया, थोड़ा सा सेंसर में आप इन्वेस्ट कर देते तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता, बट भाई ये एक चीज है। तो भाई इसके ऊपर रिलाय मत हो एज अ मेडिकल इक्विपमेंट। बट फिर भी हाथ के ऊपर रख के, एंड ये ऑक्सीमीटर मेरे पास है, इसको पहन के देखते कि एक्चुअल में रीडिंग कितने आसपास आ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने वॉच भी पहना है, उसके साथ ऑक्सीमीटर भी पहना है, तो इसके ऊपर 68 BPM के ऊपर लॉक हो चुका है, एंड यहाँ पे दिखा रहा है 80, 82, 84 के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मतलब भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको एज अ मेडिकल इक्विपमेंट करके मत यूज कर। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा पुशअप मार लेता हूँ उसके बाद देखते हैं। अभी 10 पुशअप्स के बाद अभी देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना एक्यूरेट मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको एक्यूरेट सा रीडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है, ऑक्सीजन तो आपको काफ़ी अच्छे से ये शो कर देगा। दोस्तों इसमें आपको 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, आपको जो स्पोर्ट्स मोड अच्छा लगता है वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेटा शो कर रहा है वो 860 स्टेप्स का कर रहा है। यहाँ पे थोड़े से मैं 20 स्टेप्स आगे आऊँगा और फिर देखेंगे कि ये कितना एक्यूरेट मेजर कर पाता है। अभी फिलहाल तो 20 स्टेप्स हमने किए, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है 900 स्टेप्स, तो मतलब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिखा देता है 100%। इस वॉच में मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज भी दिखी कि भाई इसमें आपको 4 गेम्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स है, काफी मजा भी आता है खेलने में। एंड भाई घर वाले अगर आपको तंग करें कि भाई कुछ तो कर जिंदगी में, मैं ऐसा बैठा मत कर, तो भाई गेम खेल ले। इट्स अ प्रैंक पापा, कैमरा उधर पापा प्लीज। यहाँ पे आपको वेदर सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, 3 दिन का जो है प्रॉपर वेदर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके साथ साथ कैमरा कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसमें दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग है, तो भाई माइक्रोफोन भी आया, माइक्रोफोन आया तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है, तो देख लेते वो करता है या कि नहीं। हु इज भूपेंद्र जोगी? भाई फेमस हो चुका है अभी। हु इज अभिषेक मुलिक? तो भाई लोग अभी बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अभी करेंटली इसका प्राइस जो चल रहा है 1799 रुपीज के आसपास। इसका प्राइस फ्लिपकार्ट के ऊपर या फिर अमेजोन के ऊपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में बात कर, तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सीरियसली कि एज अ स्टाइल करके आप यूज करना चाहते हो तो भाई करो, अगर आपको डिस्प्ले के लिए वगैरह यूज करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर आप इसको एज मतलब हेल्थ को मेजर करने के लिए
लिए या फिर हार्ट रेट मेजर करने के लिए या फिर ऑक्सीजन वगैरह मेजर करने के लिए लेना चाहते हो तो भाई मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन नॉर्मल यूज के लिए अगर आपको चाहिए भाई वॉच हाथ में दिखनी चाहिए, एक स्टाइलिश वॉच आपको दिखनी चाहिए, तो भाई ये परचेस कर सकते हो। बट एज अ मेडिकल इक्विपमेंट भाई मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। सो फिलहाल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपकी जो भी क्यूरीज हो डायरेक्ट आप वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ किसी ने एक्सेलेंट टॉपिक के साथ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।